मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज नी जॉइंट। नी जॉइंट KNEEJOINT नी जॉइंट। तो ये नी जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और ये एक सिंगल जॉइंट नहीं है बल्कि दिस जॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री जॉइंट। इस जॉइंट में क्योंकि जटिल जॉइंट है और जटिल कोई भी चीज़ होती है तो बड़ा उसमें जो है पेचीदा मामला होता है। तो जिस तरह से ये बोन जो है एक कम्प्लेक्स बोन है और उसमें तीन जो है मतलब बोन मिल करके जो है इलियम बोन, प्यूबिस बोन और इशियम बोन मिल करके फ्यूज होकर के एक ही बोन बनाता है, इनलैमिनेट बनाता है। वैसे इस जॉइंट में नी जॉइंट जो है ये सिंगल अकेले नहीं है बल्कि तीन जॉइंट का जो है कम्बिनेशन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी इज नी जॉइंट। क्योंकि इस जॉइंट में देयर आर थ्री जॉइंट। एक तो देखिए ये फीमर का जो कंडाइल है, देयर आर टू कंडाइल इन द फीमर। ये लेटरल कंडाइल है, दिस इज लेटरल कंडाइल एंड दिस इज मीडियल कंडाइल, ठीक है। और टीबिया का जो है ये लेटरल कंडाइल है, टीबिया का ये लेटरल कंडाइल है और ये मीडियल कंडाइल है। तो ये जो लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर बोन एंड लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया बोन, इन दोनों के मिलने से जो जॉइंट बनता है वो लेटरल जो है फीमरो टीबियल जॉइंट बनता है। लेटरल फीमरो यानी फीमर बोन का लेटरल कंडाइल और टीबिया बोन का लेटरल कंडाइल, फीमर बोन का लेटरल कंडाइल और टीबिया बोन का लेटरल कंडाइल, ये दोनों मिलकर के जो है जो जॉइंट बनाते हैं दिस इज नोन एज लेटरल फीमरो टीबियल जॉइंट। अभी देखिए ये मीडियल कंडाइल है, दिस इज द मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर और ये जो है मीडियल कंडाइल ऑफ जो है टीबिया है। अब ये मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ टीबिया, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे ये जो जॉइंट बनता है के बीच में, मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ टीबिया, तो ये सेकंड जॉइंट है और इस जॉइंट को कहते हैं मीडियल फीमरो टीबियल जॉइंट, मीडियल फीमरो टीबियल जॉइंट, मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ टीबिया। तो ये जॉइंट जो बनता है इसे मीडियल फीमरो टीबियल जॉइंट कहते हैं और लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर, दिस द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर एंड दिस द लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया। तो ये जो जॉइंट बनता है इसे लेटरल फीमरो, ये फीमर बोन का लेटरल कंडाइल है, लेटरल फीमरो और लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया है, तो लेटरल फीमरो टीबियल जॉइंट और मीडियल फीमरो टीबियल जॉइंट, ये दो जॉइंट ये हो गया, टू जॉइंट जो है ये जॉइंट हो गया लेटरल फीमरो टीबियल जॉइंट और मीडियल फीमरो टीबियल जॉइंट, और एक जॉइंट जो है जो ये दोनों कंडाइल का लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर का जो एंटीरियर सरफेस है दोनों सामने शुरू है, तो एंटीरियर सरफेस इसको पटेलर सरफेस कहते हैं, इसको पटेलर सरफेस कहते हैं। तो पटेलर सरफेस जो है जो दोनों कंडाइल यानी कि लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर दोनों का एंटीरियर सरफेस आपस में मिला हुआ है, तो इस सरफेस को पटेलर सरफेस कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस जो है ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, दिस सरफेस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस है। और जो पटेला बोन होता है, पटेला बोन जो है एक ट्रेंगुलर बोन है, इसके पास एक बेस होता है, एक अपेक्स होता है और दो बॉर्डर होता है, एक जो है मीडियल बॉर्डर और एक लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर, बॉर्डर थ्री होते हैं लेकिन इस सुपीरियर बॉर्डर को
ये बेस कहा जाता है और दोनों बॉर्डर जहां मिलते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला और लेटर बॉर्डर ऑफ पटेला, तो दोनों के मीटिंग पॉइंट जो लोअर नीचे की तरफ मिलते हैं इसको अपेक्स कहते हैं। तो अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बेस जिसको सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, तो सुपीरियर बॉर्डर को बेस कहते हैं, दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ये ऊपर। तो ये ट्रायंगुलर बोन है, इसको नी कैप भी कहते हैं, नी घुटने की टोपी नी कैप भी कहते हैं। इसके पास दो सरफेस हैं, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टेरियर। ये इंटीरियर सरफेस है, ये नॉन आर्टिकुलर होता है, और जो पोस्टेरियर सरफेस होता है तो पोस्टेरियर सरफेस का ऊपर का जो 3/4 हिस्सा होता है ये मतलब आर्टिकुलर होता है, और नीचे का जो 1/4 हिस्सा होता है ये नॉन आर्टिकुलर होता है। तो पोस्टेरियर सरफेस ऑफ पटेला बोन, तो ये पोस्टेरियर सरफेस ऑफ पटेला बोन जो है इसके इंटीरियर सरफेस ऑफ फीमरल कंडाइल, पोस्टेरियर सरफेस ऑफ पटेला बोन यानी ऊपर का 3/4 हिस्सा जो है पटेला बोन का, जो पोस्टेरियर सरफेस का ऊपर का 3/4 हिस्सा होता 3/4 यानी 75% ऑफ द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ पटेला आर्टिकुलेट्स विद द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बोथ द फीमरल कंडाइल। तो इसको फीमरो पटेलर ज्वाइंट कहते हैं। तो ये फीमरो पटेलर ज्वाइंट जो होता है ये सैडल ज्वाइंट कहलाता है और ये साइनस ज्वाइंट का जो है एक सब टाइप है। तो सैडल ज्वाइंट उसे कहते हैं जहां पर आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेवो और कॉन्वेक्स हो। देखिए यहां कॉनकेव है सेंटर में और यहाँ कॉन्वेक्स है, ऐसे पटेला का जो पोस्टेरियर सरफेस होता है तो उसका भी जो है मतलब जो आर्टिकुलर सरफेस होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो उसका जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है पोस्टेरियर सरफेस का जो कॉन्वेक्स हिस्सा होता है इसके कॉनकेव से मिलता है, और जो कॉनकेव होता है इसके कॉन्वेक्स से मिलता है। तो यहाँ पर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस है पटेला सरफेस, और पटेला बोन के पोस्टेरियर सरफेस भी जो है वो भी कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस होता है, यानी कॉनकेव माने गड्ढादार और कॉन्वेक्स माने थोड़ा उठा हुआ जो है। तो ये सरफेस भी यहाँ गड्ढा भी है और उठा भी हुआ है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी है। ऐसे पटेला बोन के पोस्टेरियर सरफेस का जो अपर 3/4 होता है अपर 75% हिस्सा जो है वो कैसा होता है आर्टिकुलर होता है, लेकिन जो है कॉनकेव कुछ जगह होता है और कुछ जगह कॉन्वेक्स होता है। तो वो जो कॉनकेव वाला हिस्सा है पटेला बोन के इसके कॉन्वेक्स पार्ट से जुड़ता है, और जो कॉन्वेक्स होता है इसके कॉनकेव पार्ट से जुड़ता है। तो अगर किसी भी बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स है और दूसरे बोन का भी जो आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो इस तरह का जो मीटिंग पॉइंट होता है, इस तरह का जो ज्वाइंट होता है उसे सैडल ज्वाइंट कहते हैं। और यहाँ पर जो है जो लेटरल फीमरल कंडाइल है, फीमरल कंडाइल का जो लेटरल कंडाइल है इसका इंफीरियर सरफेस है और पोस्टेरियर सरफेस है। ये टीबिया बोन के लेटरल कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से जुड़ता है ये, और इसलिए इसे मतलब इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर, ये दोनों जो है टीबिया बोन के लेटरल कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से जॉइंट बनाते हैं, और लेकिन अलग अलग वक्त में, एक्सटेंशन के वक्त ड्यूरिंग जब इंसान स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है तो लेटरल कंडाइल का ये जो इंफीरियर सरफेस है ये इससे आर्टिकुलर करता है टीबिया बोन के लेटरल कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से, ये हिस्सा इंफीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करता है, और जब इंसान सेटिंग पोजीशन में रहता है फ्लेक्सर कंडीशन में रहता है नी जॉइंट की जब फ्लेक्सर होता है तो इसी लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर का जो है पोस्टेरियर सरफेस जो है आर्टिकुलेट करता है, तो ये जॉइंट बनाता है। तो इस तरह से इंफीरियर सरफेस और पोस्टेरियर सरफेस, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर का इंफीरियर सरफेस और पोस्टेरियर सरफेस, इन दोनों को टिबियल सरफेस कहते हैं, क्योंकि टिबिया का जो लेटरल कंडाइल होता है इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है ये आर्टिकुलर
होता है और फीमर बोन का जो लेटरल कंडाइल होता है उसका इंफीरियर सरफेस और पोस्टेरियर सरफेस, ये दोनों आर्टिकुलर होता है। इंटीरियर सरफेस भी आर्टिकुलर होता है लेकिन ये पटेला बोन से जॉइंट बनाता है। इंटीरियर सरफेस पटेला बोन से जॉइंट बनाकर फीमरो पटेलर जॉइंट बनाता है, लेकिन इंफीरियर सरफेस और पोस्टेरियर सरफेस जो होता है लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर का, ये अलग अलग ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट ये इंफीरियर सरफेस जॉइंट बनाता है और ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट ये पोस्टीरियर सरफेस जॉइंट बनाता है। इसलिए इंफीरियर सरफेस निचले सतह को और पिछले सतह को, पोस्टीरियर सरफेस इन दोनों को टीबियल सरफेस कहते हैं। इन दोनों सरफेस को, इंफीरियर सरफेस को और पोस्टीरियर सरफेस को टीबियल सरफेस कहते हैं, लेकिन इंटीरियर सरफेस को पटेलर सरफेस कहते हैं क्योंकि ये पटेला बोन से इंटीरियर सरफेस जो है किससे जॉइंट बनाता है, ये पटेला बोन के पोस्टीरियर सरफेस से जॉइंट बनाता है और इसका जो इंफीरियर सरफेस है लेटरल कंडाइल का और पोस्टीरियर सरफेस है ये टिबिया बोन के सुपीरियर सरफेस से, टिबिया बोन के लेटरल कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से जॉइंट बनाता है। तो इस तरह से लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया, तो लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर का इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस ये टिबिया बोन के लेटरल कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से जॉइंट बनाता है। तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं, लेटरल फीमरो टिबियल जॉइंट, लेटरल फीमरो टिबियल जॉइंट। और जो मीडियल कंडाइल होता है फीमर बोन का, इसके पास भी इंफीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस ये है और इंफीरियर सरफेस जो है ये वाला हिस्सा है। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर, ये दोनों सरफेस भी फीमर बोन का जो मीडियल कंडाइल होता है, इस मीडियल कंडाइल का इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस इस टिबिया बोन के मीडियल कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से, ये सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया है। तो ये टिबिया का मीडियल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस है, ऊपरी सतह है, और ये फीमर बोन के लेटरल कंडाइल का इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस ये जो है ये भी जॉइंट बनाता है। तो ये इस जॉइंट को लेटरल, इस जॉइंट को मतलब मीडियल, ये मीडियल फिमरो टिबियस जॉइंट बनाता है। ये मीडियल जो है कंडाइल है और ये लेटरल कंडाइल है, तो ये लेटरल फिमरो टिबियल जॉइंट कहलाता है और ये मीडियल फिमरो टिबियस जॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से फीमर बोन का लेटरल कंडाइल और टिबिया बोन का लेटरल कंडाइल, ये दोनों लेटरल फिमरोटिबियल जॉइंट और फीमर बोन का मीडियल कंडाइल का इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस और टिबिया बोन का जो है मीडियल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है ये मीडियल फिमरोटिबियल जॉइंट, ये मीडियल फिमरोटिबियल जॉइंट, ये लेटरल फिमरोटिबियल जॉइंट। तो ये दोनों जॉइंट, लेटरल फिमरोटिबियल जॉइंट और मीडियल फिमरोटिबियल जॉइंट, ये जॉइंट दोनों जो है ये कंडाइलर जॉइंट है, ये साइनस जॉइंट का एक टाइप है। तो ये एक लेटरल फिमरोटिबियल जॉइंट ये भी कंडाइलर जॉइंट है और मीडियल फिमरो मतलब कंडाइलर जॉइंट ये भी कंडाइलर जॉइंट है, या इसी को बाई कंडाइलर जॉइंट भी कहते हैं। इसी को, इस कंडाइलर जॉइंट को बाई कंडाइलर जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि फीमर का लेटरल कंडाइल एक कंडाइल हो गया और टिबिया का लेटरल कंडाइल दो कंडाइल हो गया। तो ये कंडाइल ये भी है, कंडाइल ये भी है, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर भी एक कंडाइल है और मीडियल लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया भी एक कंडाइल है। तो इस जॉइंट को कंडाइलर जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि दो कंडाइल है, इसलिए इसको बाई कंडाइलर जॉइंट कहते हैं। और मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर भी एक कंडाइल है और मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया भी एक कंडाइल है। तो इस जॉइंट को भी क्या कहते हैं, कंडाइलर जॉइंट, या इसी को मतलब बाई कंडाइलर जॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से नी जॉइंट में दो कंडाइलर जॉइंट हैं, एक लेटरल फिमरोटिबियल जॉइंट और एक मीडियल फिमरोटिबियल जॉइंट। लेकिन यहां पर
दोनों फ्यूमरल कंडाइल का, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर का जो इंटीरियर सरफेस है इसे पटेलर सरफेस कहते हैं, और यहां पर पटेला बोन का दिस सरफेस, ये इंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल है और ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कंडाइल है। तो दोनों कंडाइल का इंटीरियर सरफेस एक दूसरे में मिला हुआ है, तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर एंड मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर बोथ आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म द पटेलर सरफेस, तो इंटीरियर सरफेस ऑफ बोथ कंडाइल ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला एंड फॉर्म्स द पटेलो फ्यूमरल जॉइंट। तो इस तरह से नी जॉइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री जॉइंट, तो इसलिए दिस इज कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट, सबसे जो है जटिल जॉइंट, जब सबसे पेचीदा जॉइंट जो है नी जॉइंट है, क्योंकि इस जॉइंट में तीन जॉइंट शामिल है। पहला जॉइंट है लेटरल फीमरो टिबियल जॉइंट, दूसरा है मीडियल फीमरो टिबियल जॉइंट, तीसरा है फीमरो पटेलर जॉइंट। अब देखिए लेटरल फीमरो टिबियल जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द इंफेरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर। द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द इंफेरियर सरफेस निचले सतह एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया। तो दिस जॉइंट इज नोन एज लेटरल फीमरो टिबियल जॉइंट एंड सेकेंड जॉइंट इज मीडियल फीमरो टिबियल जॉइंट। तो मीडियल फीमरो टिबियल जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द इंफेरियर सरफेस and posterior surface of medial condyle of femur with the superior surface of medial condyle of tibia. So this is known as medial femoro-tibial joint. तो ये भी कंडाइलर जॉइंट है और ये भी एक कंडाइलर जॉइंट है, तो दो कंडाइलर जॉइंट ये है और पटेला बोन का पोस्टेरियर सरफेस, और ये जो दोनों कंडाइल लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर का जो इंटीरियर सरफेस है, ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द बोथ कंडाइल ऑफ फीमर विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला बोन इज नोन एज फीमरो टिबियल जॉइंट व्हिच इज नोन एज सैडल जॉइंट। तो नी जॉइंट में दो कंडाइलर जॉइंट है और एक जो है सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट से कहते हैं जिसका आर्टिकुलर सरफेस जो है क्या हो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखिए यहां पे जो पटेलर सरफेस है यहां पर बीच में कॉनकेविटी है और साइड में जो है कॉन्वेक्स, ये साइड में कॉन्वेक्स है। ऐसे पटेला बोन के जो है पोस्टेरियर सरफेस का जो अपर थ्री फोर्थ होता है, अपर 3/4 अपर 75% जो हिस्सा, वहां पर भी कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। वहां का जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है पटेला बोन के कॉन्वेक्स पार्ट यहाँ के कॉनकेव से जुड़ता है, और जो कॉनकेव पार्ट होता है वो इस कॉन्वेक्स से जुड़ता है। तो अगर किसी भी बोन का कोई दोनों दो बोन हो और दोनों का आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, तो दैट इज नोन एज सैडल जॉइंट, SADLE, सैडल जॉइंट या सेलर जॉइंट, SELLAR। ये सैडल जॉइंट या सेलर जॉइंट ये साइनवेज जॉइंट का एक टाइप है, क्योंकि दिस इज टाइप कैसा है नी जॉइंट, टाइप ऑफ साइनवेज जॉइंट। ये साइनवेज जॉइंट जो है मतलब जॉइंट तीन किस्म का होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट, फाइबरस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनल जॉइंट। दिस द मोस्ट एडवांस जॉइंट, द जॉइंट व्हिच इज सराउंडेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनल मेम्ब्रेन इस जॉइंट पर है और इसी वजह से इसको साइनल जॉइंट कहते हैं। सब टाइप इसका जो है टू कंडाइलर जॉइंट है, इसमें एक लेफ्ट LFT लेफ्ट फीमरो टिबियल जॉइंट और दूसरा है
मीडियल एमएफटी, मीडियल फिब्रोटिबियल ज्वाइंट, और तीसरा है एफटी ज्वाइंट, फिब्रोपटिलर ज्वाइंट। तो ये टू कंडाइलर ज्वाइंट में एक कंडाइलर ज्वाइंट जो है लेटर फिब्रोटिबियल ज्वाइंट हो गया, दूसरा कंडाइलर ज्वाइंट जो है मीडियल फिब्रोटिबियल ज्वाइंट हो गया, और तीसरा जो है ये सैडल ज्वाइंट, वन सैडल ज्वाइंट होता है जिसको फिब्रोपटिलर ज्वाइंट कहते हैं। इसलिए नी ज्वाइंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज नी ज्वाइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ज्वाइंट, जैसे कि हिप बोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बोन। हिप बोन थ्री बोन का कॉम्बिनेशन है, तीन बोन मिलकर के एक हिप बोन बनाते हैं, इलियम प्यूबिस इशियम। उसी तरह से हिप बोन की तरह से नी ज्वाइंट भी जो है एक जो है कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ज्वाइंट। अब देखिए इस ज्वाइंट को बनाने में देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ थ्री बोन, बोन इन्वॉल्व इन दिस ज्वाइंट। कितने बोन हैं जिस ज्वाइंट को बनाते हैं? देखिए ज्वाइंट के डेफिनेशन में हमने बताया था पिछले वीडियो कि ज्वाइंट इज द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स आर मोर देन टू बोन। ज्वाइंट बनाने के लिए जो है कम से कम दो बोन का होना जरूरी है, मिनिमम उससे ज्यादा भी बोन हो सकते, जैसे कि हिप ज्वाइंट के पिछले वीडियो में हिप ज्वाइंट में सिर्फ दो बोन का कंट्रीब्यूशन था, एक हिप बोन और एक ये एक हिप बोन और दूसरा फीमर बोन। तो हिप बोन और फीमर बोन मिलकर के हिप ज्वाइंट बनाए थे, लेकिन यहां पर नी ज्वाइंट में जो है यहां पर तीन बोन है, देयर आर थ्री बोन। पहला है फीमर बोन, दूसरा है टीबिया बोन और तीसरा है पटेला बोन। तो देयर आर थ्री बोन्स व्हिच forms the knee joint, femur thigh bone और tibia shin bone और patella knee cap। इस तरह से knee joint को बनाने में तीन हड्डियों का contribution है और knee joint खुद जो है तीन joint का combination है। इसका articular surface कोई भी बोन होता है तो पूरा बोन 100% नहीं मिलता है, बल्कि उस बोन का कोई हिस्सा मिलता है। तो बोन का जो हिस्सा मिलता है उसी को आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, यानी जुड़ने वाला सतह। जैसे फीमर बोन है तो फीमर बोन का जो है जो कंडाइल होता है लोअर एंड में, लोअर एंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेटर कंडाइल और एक मीडियल कंडाइल। तो लेटर कंडाइल और मीडियल कंडाइल दोनों जो है सामने की तरफ फ्रंट साइड में जुड़े हुए हैं, लेकिन बैक साइड में जो ये सेपरेट है। और इस कंडाइल को लेटरल कंडाइल कहते हैं और इस कंडाइल को मीडियल कंडाइल कहते हैं। तो ये फीमर बोन का लेटरल कंडाइल है और ये फीमर बोन का मीडियल कंडाइल है। चाहे वो लेटरल कंडाइल हो चाहे वो मीडियल कंडाइल हो, हर कंडाइल के पास पांच सरफेस है। लेटरल कंडाइल का ये इंटीरियर सरफेस है, दिस इज द इंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल, दिस इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल। तो ये तीनों सरफेस जो है लेटरल कंडाइल के आर्टिकुलर हैं, और जो चौथा सरफेस है ये लेटर सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल, और ये वाला अंदर वाला मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल, मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल। तो इस तरह से जो है इन पांचों सरफेस में तीन सरफेस आर्टिकुलर है, एंटीरियर सरफेस और इंफेरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। ये तीनों सरफेस आर्टिकुलर है, लेकिन लेटर सरफेस और मीडियल सरफेस ये दोनों, ये लेटर सरफेस है ये नॉन आर्टिकुलर है, ये ज्वाइंट नहीं बनाता है, और मीडियल सरफेस ये भी नॉन आर्टिकुलर है, ये भी ज्वाइंट नहीं बनाता है। तो इंफेरियर सरफेस और पोस्टेरियर सरफेस ये टीबिया बोन के मतलब लेटरल कंडाइल का जो सुपीरियर सरफेस होता है, दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ये लेटरल कंडाइल ऑफ टीबिया है ये, और ये मीडियल कंडाइल ऑफ टीबिया है, और दोनों कंडाइल के बीच में ये हिस्सा जहां पर बार कर रखा हुआ है, दिस इज इंटरकंडाइलर एरिया। तो इंटरकंडाइलर एरिया जहां पर मार्क कर रखा हुआ रेड मार्कर, तो इसके इस साइड में ये
मीडियल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस है और ये लेटर कंडाइल का सुपीरियर सरफेस है, ये टीबिया का लेटर कंडाइल है और ये भी टीबिया का मीडियल कंडाइल है। तो टीबिया बोन का ये लेटर कंडाइल का सुपीरियर सरफेस है और टीबिया बोन का मीडियल कंडाइल का ये सुपीरियर सरफेस है, तो ये भी आर्टिकुलर है, ये भी आर्टिकुलर है, तो ये आर्टिकुलर सरफेस है लेकिन ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस। कोई चीज अगर दबा हुआ हो, कॉनकेव हो, तो दैट इज फीमेल आर्टिकुलर। तो फीमेल टिबियल कंडाइल, जो लेटर कंडाइल ऑफ टिबिया और मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया का जो सुपीरियर सरफेस है, ये भी आर्टिकुलर सरफेस है लेकिन ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस है। और यहाँ पर फीमर का जो लेटर कंडाइल का इंफीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है, ये कॉनवेक्स है, इन्फेरियर भी और पोस्टीरियर भी, और इन दोनों सरफेस को टिबियल सरफेस कहते हैं, क्योंकि यही दोनों सरफेस जो है जब एक्सटेंशन होता है नी का, तो इन्फेरियर सरफेस जो है इसी जो है टिबिया के लेटर कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से जुड़ा रहता है, और जब फ्लेक्शन होता है तो ये पोस्टीरियर सरफेस जो है इससे टीबिया के सुपीरियर सरफेस से जुड़ा होता है लेटर कंडाइल के। तो इस तरह से अलग अलग जो है वक्त, अलग अलग कंडीशन, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, नी एक्सटेंडेड कंडीशन में है, तो लेटर कंडाइल ऑफ फीमर का इंफीरियर सरफेस जुड़ा रहेगा, और अगर फ्लेक्स सिटिंग पोजीशन में है, नी फ्लेक्स है, तो यह पोस्टीरियर सरफेस जो है जुड़ा रहेगा। तो इंफीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस बोथ इज नोन एज टिबियल सरफेस बिकॉज दिस टू सरफेस आर्टिकुलेट विद द लेटर कंडाइल ऑफ टिबिया। तो इस तरह से ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस है, टिबिया बोन का लेटर कंडाइल का सुपीरियर सरफेस ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस है, और ये जो लेटर कंडाइल ऑफ फीमर है इसका इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस ये जो है मेल आर्टिकुलर सरफेस। इसी तरह से मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर का इंफेरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस ये मेल आर्टिकुलर सरफेस है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, और टिबिया बोन का जो मीडियल जो है मीडियल कंडाइल का सुपीरियर सरफेस होता है ये कॉनकेव होता है, तो ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस होता है, और फीमर बोन का जो दोनों कंडाइल का इंटीरियर सरफेस है ये कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो ये मेल भी है और फीमेल भी है, यानी कि इसके अंदर मेल आर्टिकुलर सरफेस भी है और फीमेल, ये मेल आर्टिकुलर सरफेस हो गया और ये फीमेल बीच वाला कॉनकेव है, तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटर कंडाइल एंड मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर इज कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस, और मेल भी है और फीमेल आय, और इसी तरह से पटेला बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो भी जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, तो वो भी मेल भी है और फीमेल, मेल आर्टिकुलर सरफेस भी है और फीमेल आर्टिकुलर सरफेस भी है, तो यहाँ पर दोनों सरफेस कॉनकेविटी भी है और कॉन्वेक्सिटी है, तो इसको पटेलर सरफेस कहते हैं, और ये सरफेस फीमरो पटेलर ज्वाइंट बनाता है, फीमरो पटेलर ज्वाइंट बनाता है, और यहाँ पर ये सरफेस लेटर फीमरो टिबियल ज्वाइंट और ये मीडियल फीमरो टिबियल ज्वाइंट। तो इस तरह से जो है मतलब नी ज्वाइंट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी, बड़ा जटिल ज्वाइंट है, और ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ज्वाइंट्स। अब देखिए लिगामेंट्स ऑफ द नी ज्वाइंट, लिगामेंट्स ऑफ द नी ज्वाइंट, तो देर आर 11 लिगामेंट इन द नी ज्वाइंट। पहला जो लिगामेंट है फाइबरस कैप्सूल, फाइबरस कैप्सूल ये पहला लिगामेंट है, फाइबरस कैप्सूल, या इसी को जो है आर्टिकुलर कैप्सूल भी कहते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल भी कहते हैं, और इसी को कैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं। तो फाइबरस कैप्सूल या आर्टिकुलर कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट, ये तीनों जो सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, चाहे उसी को फाइबरस कैप्सूल कहिए, चाहे उसी को आर्टिकुलर कैप्सूल कहिए, या उसी को कैप्सुलर लिगामेंट कहिए। दूसरा है लिगामेंटम पटेली, दूसरा लिगामेंट जो है नी ज्वाइंट का है लिगामेंटम पटेली, लिगामेंटम पटेली
लिगामेंटम पटेली और तीसरा है मीडियल लिगामेंट, तीसरा मीडियल लिगामेंट या इसी को जो है टीबियल कोलेटर लिगामेंट या इसी को मीडियल कोलेटर लिगामेंट कहते हैं। तो तीसरा जो लिगामेंट है मीडियल लिगामेंट भी कहते हैं, टीबियल कोलेटर लिगामेंट भी कहते हैं और मीडियल कोलेटर लिगामेंट भी कहते हैं। चौथा जो लिगामेंट है ये लेटरल लिगामेंट है, चौथा लिगामेंट लेटरल लिगामेंट या इसी को फिबुलर कोलेटर लिगामेंट FCL या इसी को लेटरल लिगामेंट। तो इस तरह से चौथा लिगामेंट और पांचवा लिगामेंट जो है एंटेरियर क्रूशियट लिगामेंट और छठा लिगामेंट है पोस्टेरियर क्रूशियट लिगामेंट PCL क्रूशियट CRUCIAT। तो ACL एंटेरियर क्रूशियट लिगामेंट और सिक्स नंबर का पोस्टेरियर क्रूशियट लिगामेंट और सेवेंथ नंबर का मीडियल मेनिस्कस MENISCUS मीडियल मेनिस्कस और आठवां लिगामेंट है लेटरल मेनिस्कस और नौवां लिगामेंट है आवलिक पॉपलीटियल लिगामेंट और दसवां लिगामेंट है टेंथ नंबर का आर्कुएट पॉपलीटियल लिगामेंट APL आर्कुएट पॉपलीटियल लिगामेंट APL OPL आवलिक पॉपलीटियल लिगामेंट और ग्यारहवां लिगामेंट है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो इस तरह से देयर आर 11 लिगामेंट इन द नी जॉइंट। पहला है फाइबरस कैप्सूल या इसी का नाम है आर्टिकुलर कैप्सूल या इसी को कैप्सुला लिगामेंट। सेकंड नंबर का लिगामेंट है लिगामेंटम पटेली LP लिगामेंटम पटेली। तो लिगामेंटम पटेली ये दूसरा लिगामेंट है और तीसरा लिगामेंट है मीडियल लिगामेंट या इसी को टीबियल कोलेटर लिगामेंट या इसी को जो है मीडियल कोलेटर लिगामेंट कहते हैं। चौथा लिगामेंट है लेटरल लिगामेंट या इसी को जो है फिबुलर कोलेटर लिगामेंट या इसी को लेटरल कोलेटर लिगामेंट LCL। फिफ्थ नंबर का लिगामेंट है एंटेरियर क्रूशियट लिगामेंट और उसके बाद सिक्स नंबर का है पोस्टेरियर क्रूशियट लिगामेंट और सेवेंथ नंबर का है मीडियल मेनिस्कस और उसके बाद आठवें नंबर का है एथ नंबर का है लेटरल मेनिस्कस MENISCUS लेटरल मेनिस्कस और नाइन्थ नंबर का है OPL आवलिक पॉपलीटियल लिगामेंट और टेंथ नंबर का है APL ए का मतलब आर्कुएट ARCUATE आर्कुएट पॉपलीटियल लिगामेंट। तो इस तरह से ये 10th नंबर का है आर्कुएट पॉपलीटियल लिगामेंट और 11th नंबर का है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो इस तरह से देयर आर 11 लिगामेंट इन द नी जॉइंट। पहला है फाइबरस कैप्सूल, दूसरा है लिगामेंटम पटेली, तीसरा है मीडियल लिगामेंट, चौथा है लेटरल लिगामेंट और पांचवा है एंटेरियर क्रूशियट लिगामेंट और छठा है सिक्स नंबर का है पोस्टेरियर क्रूशियट लिगामेंट और उसके बाद मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, आवलिक पॉपलीटियल लिगामेंट और
ऑब्लिक पॉपलिटे लिगामेंट, आर्कुएट पॉपलिट लिगामेंट और ट्रांसवर्स लिगामेंट. इन दीज वर्ड्स आई वॉन्ट टू फिनिश माई लेक्चर.